चलो मेरे बच्चे, मैं आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। आप सभी को मालूम है आज का लेक्चर किस टॉपिक पे, हाउ टू गॉट एग्जम्पशन और हाउ टू सिक्योर एग्जम्पशन इन योर अकाउंट सब्जेक्ट। चलो स्टार्ट करो। थोड़ा स्लो लूंगा मेरे बच्चे आज का लेक्चर, बट जो भी लिखवा करके दूंगा सारी चीजें आपने लिखना है एज इट इज। सवाल बड़ा ही कॉमन है। जो बच्चे भी इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं उन्होंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना है। सर क्यों आप स्पीड में नहीं बोल पाओगे क्या? नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि आज का जो सवाल है हाउ टू सिक्योर एग्जम्पशन, इसके ऊपर यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे हजारों वीडियो बने हुए हैं, हजारों। आप से भी इतना भी अगर डाल दोगे ना YouTube पे या Google पे हाउ टू सिक्योर एग्जम्पशन इन अकाउंट्स, तो आपको 1000 प्लस वीडियोस मिल जाएंगे। और वो सारे वीडियो में एक चीज कॉमन है मेरे बच्चे, सब पट 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 फटाफट फटाफट, सबने अपनी पीपीटी बना करके रखी हुई है पहले से, हर किसी ने अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पहले से बना करके रख लिया है, किसी कोई नोट्स सामने रख करके कोई देख करके बोल रहा है, कोई पीपीटी की तरफ देख देख करके बोल रहा है, हर किसी ने कहीं ना कहीं इधर उधर से शेरो शायरी गूगल से कुछ अच्छी अच्छी बातें लेकर के फिर सारी चीजें बोल रहे हैं। लेकिन मैं वैसा नहीं करने वाला हूं, ना ही मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, ना ही मेरा ध्यान आप लोगों के ऊपर से हटने वाला है। जो भी बता रहा हूं आप बीती बता रहा हूं, आप बीती बता रहा हूं। सर आपको एग्जम्पशन था क्या? हाँ मेरे बच्चे, सी ए सी एस हर जगह, बी कॉम जहां कहीं भी अकाउंट्स पढ़ा हर जगह एग्जम्पशन था टिल सी ए फाइनल। और जो भी मैं बता रहा हूं वो शत प्रतिशत मेरी लाइफ का जो लाइव एक्सपीरियंस है वो ही आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ना ही कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ना ही इधर उधर देख करके कुछ आपको बताने वाला हूं, कुछ नहीं, जो कुछ है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज मैं कोई चैट का रिप्लाई नहीं दूंगा क्योंकि आज मुझे आपको समझाना है, मुझे बताना है क्या करना है, मुझे आज आपसे नहीं सुनना है, मुझे बताना है कि आपने क्या करना चाहिए। इसलिए मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा मेरे बच्चे, आज चैट मत करो, आज चैट में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं बता रहा हूं वो एज इट इज फॉलो करो। सो हर कोई चाहता है एग्जम्पशन, हर किसी को स्वर्ग चाहिए, बस जो मैं बता रहा हूं आज फील करो, शांति में बैठ करके सुनो मेरे बच्चे, बिल्कुल पेन पेपर अभी लेने की जरूरत नहीं जब तक मैं बोलू ना। हर किसी को स्वर्ग चाहिए लेकिन मरना किसी को नहीं है, हर किसी को स्वर्ग चाहिए लेकिन मरना नहीं है। बेटे अगर स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा, जिंदा रह के स्वर्ग नहीं देख सकते, जिंदा रह के स्वर्ग नहीं देख सकते। सर एग्जम्पशन हमें लेकर के आना है वो बता दो क्या करना है। बेटा मैं पहले यह बता दूंगा क्या नहीं करना है। अब मैं जो आज का बता रहा हूं, जो भी मैं आपको मेरा पर्सनल आप भी थी एक्सपीरियंस बता रहा हूं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, एक बार वो सुनने से पहले यह सुन लो, मैं उस गधे बच्चे की, उस बेवकूफ बच्चे की बात कर रहा हूं जिसने 11th 12th साइंस किया था, जिसको 10th स्टैंडर्ड में 49.6% है, 11th 12th साइंस था, 10th स्टैंडर्ड में 49.6% है मेरे बच्चे, 10th स्टैंडर्ड में 49.6% है। उसके बाद 11th 12th साइंस के बाद उसने पीएमटी रिपीट किया था, डॉक्टर बनना था ना भाई को, पीएमटी रिपीट किया था, पीएमटी दो बार दिया नहीं बन पाया। उसके बाद पेरेंट्स ने बोला भैया अभी सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दुकानदारी धंधा संभाल, उसके बाद उसने धंधा संभालने के लिए दुकानदारी देखने के लिए उसने दुकान में बैठना शुरू कर दिया। पापा ने बोला दुकान में बैठ बैठ के क्या करेगा, पढ़ेगा नहीं क्या, तो साइड बाय साइड बीकॉम में एडमिशन ले लिया, 12th साइंस होने के बाद बीकॉम में एडमिशन ले लिया, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम फाइनल ईयर। फर्स्ट ईयर में उसने एडमिशन लिया था इंग्लिश मीडियम में, 10th में 49%,
टेंथ मराठी मीडियम, प्लीज ध्यान देना मेरे बच्चे, गहराई है इस बात में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ हर एक चीज, बिल्कुल आपके सामने कोई पीपीटी या सारी चीजें खोल करके बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ मेरे बच्चे, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वही बता रहा हूँ, आपने क्या करना है जीवन में, और ये एग्जाम्पन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हर सब्जेक्ट में एग्जाम्पन, लाइफ में एग्जाम्पन, सिर्फ एग्जाम्पन नहीं, मैं डिस्टिंक्शन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ डिस्टिंक्शन, एग्जाम्पन की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्टिंक्शन की भी बात कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम था उसका, फर्स्ट ईयर में वो जो बच्चा है, वो जो बेवकूफ गधा बच्चा है जिसको टेंथ में 49% है, वो उसके पूरे गांव में वो टोटल चार ही बच्चे थे इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि गांव में मराठी मीडियम बीकॉम था, इंग्लिश मीडियम बीकॉम के लिए यू नीड टू टेक एडमिशन फॉर एक्सटर्नल। फर्स्ट ईयर में पास हो गया, सेकेंड ईयर में उस बच्चे ने क्या किया, उस गाँव से 60 किलोमीटर दूर एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस था, उसका नाम था अकोला। सेकेंड ईयर में उसने अकोला में रेगुलर कॉलेज में जाकर के एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर तो प्राइवेट था, एक्सटर्नल कर लिया, सेकेंड ईयर में अकोला एडमिशन लिया। और अकोला क्यों एडमिशन लिया पता है, क्योंकि अकोला डिस्ट्रिक्ट प्लेस था, और उसके घर का जो फैमिली बिजनेस था वो पूरे बिजनेस का जो भी लेन देन होता था वो डिस्ट्रिक्ट प्लेस अकोला से होता था, मेरे बच्चे अकोला से होता था। तो और स्टूडेंट को उस समय सस्ते में पास मिल जाती थी बस की, 400 रुपए 500 रुपए महीने में डेली आप अकोला अप डाउन कर सकते थे, डेली सस्ते में पास मिल गई स्टूडेंट होने के कारण। देखो सेकेंड ईयर अकोला में कॉलेज में एडमिशन ले लिया, स्टूडेंट होने के कारण सस्ते में पास मिल गया मेरे बच्चे, बरोबर है। तो वो अकोला डेली दुकान के काम से जाता था, तब उसने सोचा कि वो अकोला डेली जा ही रहा है, अकोला डिस्ट्रिक्ट प्लेस उस गाँव से अकोला डेली जा ही रहा है, तो क्यों ना कॉलेज भी अटेंड कर लिया जाए। तो अकोला शॉप के काम से जाता था और साथों साथ टाइम मिला तो कॉलेज भी अटेंड कर लेता था। पता है ये साथों साथ टाइम मिला तो कॉलेज भी अटेंड कर लेता था, इस चक्कर में उसको सेकेंड ईयर बीकॉम में 70+% आए, उसने जीवन में पहली बार 70% का रिजल्ट देखा था। उसकी जिद बढ़ गई, उसकी इच्छाएं बढ़ गई कि यार मैं कुछ कर सकता हूं। फाइनल ईयर में उसने अकोला में रूम लेकर के अप डाउन बंद कर दिया, अकोला में रूम लेकर के रहना शुरू किया, वहीं पढ़ाई किया। पापा को कन्विंस किया कि पापा अब तक तुम्हें सेकेंड ईयर में बिजनेस के काम से अप डाउन करता था, अब मुझे अकोला में रहने दो, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। फाइनल ईयर में भी 70% लेके आए, सेकेंड ईयर में 70+ थे, फाइनल ईयर में 69% थे। उसके बाद वो बच्चा CA में एडमिशन लेने जब गया तब पूरे गांव के लोग हंस रहे थे, बोले टेंथ में जिस बच्चे को 49% है वो बच्चा CA क्या कर पाएगा। बट फिर भी उस बच्चे ने CA में एडमिशन लिया, BCOM के बाद डायरेक्टली उस समय CA इंटर को, आज जो CA इंटर है उसको CAPE2 कहते थे मेरे बच्चे, CAPE2 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन 2, CA फाउंडेशन जो आज है उसे PE1 कहते थे। तो PE2 में एडमिशन लिया, PE2 में एडमिशन लेते ही पूरा का पूरा PE2, आप बिलीव नहीं करोगे, एग्जाम पास में आगे पढ़ाई किया उसने, दिन रात पढ़ाई किया, एग्जाम पास में आगे, एग्जाम दे दिया, एग्जाम का रिजल्ट आ गया पास, CAPE2 का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया। सारे गांव वालों के मुंह बंद हो गए, सब लोग सोच में पड़ गए, मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा जिसको टेंथ में 49% है वो बच्चा CA का एग्जाम एक बारी में कैसे क्लियर हो गया। बच्चों वो बच्चा आज आपके सामने स्क्रीन पे बैठा है, कैमरे पे बैठा है, माय नेम इज हरीश मथारिया, ये मेरा नाम है। गलती से मैं CA CS LLB GDCA BCOM ये सारे कोर्सेज मैंने किए, वो मैं हूँ। सर आपने कैसे कर लिया, टेंथ स्टैंडर्ड आपका मराठी मीडियम था, 49% थे, उसके बाद आप अप डाउन करते थे, फाइनल ईयर में वहाँ पे रूम लेकर के रह लिए, उसके बाद हमने CA की एग्जाम में डायरेक्टली इंटर की एग्जाम दी और फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर हो गए। बस बच्चे मैं वो ही स्टोरी बता रहा हूँ, बस वो एक चीज़ समझ लो, और वो स्टोरी के अंदर से मैं आपको कुछ सिद्धांत बताऊंगा, कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगा, बस वो प्रिंसिपल आपने लाइफ टाइम आपने अप्लाई करना है, लाइफ टाइम अप्लाई करना है। मैं कोई पावर पॉइंट की स्लाइड इधर उधर गूगल के ये कुछ देख करके कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके पहले के लेक्चर में आपको मैंने बता दिया कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अन अकेडमी पे स्पेशल क्लास में मैंने सब बता दिया है। आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो एग्जम्पशन के लिए आपने कैसे क्या करना है, वो सारी तैयारी क्या करना है वो सिर्फ अच्छे से सुन लो। एग्जम्पशन के लिए पढ़ाई कैसे करना है हर कोई बताता है, मैं आपको एटीट्यूड कैसे डेवलप करना है वो बताऊंगा मेरे बच्चे।
हर कोई बता देगा कि एग्जम्पशन के लिए आपने क्या करना है, अच्छा खासा टाइम टेबल बनाना है। हर कोई बोलेगा एग्जम्पशन के लिए आपने टाइम टेबल अच्छा बनाओ, कोई बोलेगा टाइम टेबल बनाओ, कोई बोलेगा सुबह 4 बजे उठो, कोई बोलेगा डोंकी वर्क मत करो, स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो, बराबर है। कोई बोलेगा सुबह पढ़ो, रात को पढ़ो, ग्रुप में पढ़ो। अरे भैया सब बोल रहे ये करो वो करो, लेकिन कैसे करना है, कैसे करना है ये कोई नहीं बोलेगा। और सर हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब हम लोग कोई चीज करने के लिए बैठते हैं ना, तो हमारा मन नहीं मानता, हमारा मन नहीं मानता सर, मन ही नहीं लगता है आजकल काम में। मैं बताऊं मन क्यों नहीं लगता है, क्योंकि आपके पास करेक्ट मोटिवेशन नहीं है, आपके पास करेक्ट मोटिवेशन नहीं है। मेरे पास भी 10th स्टैंडर्ड तक कोई मोटिवेशन नहीं था, 11th 12th में कोई मोटिवेशन नहीं था, इसीलिए 11th 12th साइंस होने के बावजूद भी, पीएमटी रिपीट करने के बावजूद भी मैं क्लियर नहीं कर पाया। और जब पापा ने बोल दिया भैया अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो चुपचाप गांव में बैठ करके जो घर का फैमिली बिजनेस है वो संभालो, तब मुझे यहां दुखा। तब मैंने सोचा कि यार अगर मैं यहीं रह गया तो मैं लाइफ टाइम क्या करूंगा, मुझे गांव में नहीं रहना है। मेरे पास मोटिवेशन आ गया, मुझे गांव से बाहर निकलना है, और गांव से बाहर निकलना है तो मेरे पास तरीका एक ही था, स्टडी के रीजन से ही मैं मेरा घर छोड़ सकता था, उसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। शायद ये बात मेरे पापा को पता होंगी, शायद वो मुझे जानते होंगे, शायद इसीलिए उन्होंने बोल दिया होगा पढ़ाई कर नहीं करना है तो घर पे बैठो, पढ़ाई करना है तो ही आप बाहर जा सकते हैं। तो मेरे पास वजह आ गई, मोटिवेशन आ गया, वजह आ गई, फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर में तो भी कम ही परसेंट है, बट सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में अच्छे आ गए। फिर सीए इंटर, और सीए इंटर क्लियर होने के बाद फॉर सीए फाइनल आई केम टू पुणे, फॉर सीए फाइनल आई केम टू पुणे। पुणे आने के बाद फाइनल भी क्लियर हो गया, सीएस किया साथों साथ, एलएलबी चल ही रहा था, सारी चीजें कर लिया, तब मुझे समझ में आ गया कि कैसे करना है ये हर कोई बता देता है, क्यों करना है, आपके पास मोटिवेशन क्या होना चाहिए ये कोई नहीं बताता है। मोटिवेशन आपके पास क्या होना चाहिए, देखो मेरे बच्चे, आप सब लोग या जो कोई भी बच्चा जीवन में फेल होता है तो क्यों फेल होता है, एग्जम्पशन क्यों नहीं आता है अकाउंट सब्जेक्ट में या कोई भी सब्जेक्ट में, या क्यों फेल होते हैं, उसके पीछे के मैं पहले रीजंस बता दो, जो कॉमन रीजंस है आपने अपने आप से जवाब दे देना, जो मैं बता रहा हूँ वो सही या गलत है मेरे बच्चे, अपने आप से जवाब दे देना सही या गलत है, प्लीज ध्यान देना मेरे बच्चे। सबसे पहला रीजन फेल होने के पीछे मैं बताता हूँ, सबसे पहला रीजन है लेजीनेस, सबसे पहला रीजन है लेजीनेस। बच्चा आलस बहुत करता है क्योंकि उसको सारी चीजें बैठे बिठाए मिल रही है, सारी चीजें बैठे बिठाए मिल रही है। दूसरा रीजन है, अगर कोई बच्चा अपना होम टाउन छोड़ करके अगर कोई बड़ी सिटी में आता है पढ़ने के लिए, तो जिस दिन वो आता है, जिस दिन उसका फर्स्ट डे रहता है, उस दिन वो बच्चा बड़ा मोटिवेटेड रहता है, बड़ा मोटिवेटेड रहता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो भूल जाता है कि वो होम टाउन छोड़ के सिटी में क्यों आया, ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाते हैं। पहले दिन जब वो सिटी में आया था तब उसका ऑब्जेक्टिव एक ही था, बस पढ़ाई करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है। फिर अगले दिन वो दिखी, अगले दिन यहाँ जाना है, अगले दिन इससे दोस्ती करना है ना, समझ में आ रहा है। ये सारे मैटर्स के कारण वो भूल जाता है कि उसका प्राइमरी, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट एंड बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था मेरे बच्चे सिटी में आने के पीछे, भूल जाता है ना। तो याददाश्त कमजोर हो गई, भूल गए आप लोग, भूल जाते हो। और फिर जब कभी भी पापा या मम्मी का फोन आता है तब आपको याद आता है, अरे हाँ यार हम लोग यहाँ क्यों आए थे, पढ़ाई करने के लिए, तब याद आता है, याद दिलाना पड़ता है। हनुमान जी को कैसे उनकी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती है बार बार कि हे हनुमान तू ये सब कर सकता है, तो वैसे भी आपको याद दिलाना पड़ता है, आप भूल जाते हो, ये दूसरा कारण है। मैं बता रहा हूँ आप सभी का रीजन इसी में से कोई ना कोई या एक से ज्यादा रीजन रहेगा बेटा आपके लाइफ में। तीसरा कारण मैं बताता हूँ, बच्चे एक ही जगह अटक जाते हैं, स्टक अटक जाते हैं। सर ये समझा नहीं कैसे अटकते, सुनना जरा। बच्चा जब कोई भी बच्चा पढ़ाई करता है, ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है, स्टडिंग, कोई एक प्रॉब्लम या कोई एक कॉन्सेप्ट या कोई एक थ्योरी का कुछ तो पॉइंट नहीं समझ में आया तो बच्चा यहीं अटक जाता है, यहीं सोचते रहता है, और उसके बाद पढ़ाई स्टॉप कर देता है, और फिर क्या करता है, बाहर खेलने या घूमने निकल जाता है दोस्तों के साथ, और अपने आप को मीठा बहाना देता है कि मैं तो पढ़ाई कर रहा था लेकिन वो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया इसलिए मैंने पढ़ाई बंद कर दी।
अब मुझे एक बात बता मेरे बच्चे, जब तू रास्ते से जाते रहता है कहीं पे भी, ये रास्ते से जा रहा है, ये रास्ते से जा रहा है, ये जा रहा है, रास्ते में अगर यहाँ कहीं गड्ढा आ जाए तो तुम यहीं पे अपनी गाड़ी रोक करके यहीं बैठ जाते हो कि गड्ढे के साइड से आगे निकल जाते हो? गड्ढे के साइड से आगे आप निकल जाओगे, वहां थोड़ी ना बैठे रहोगे शाम तक। बट फिर ऐसा जब आपने यहां नहीं किया तो यहां क्यों रुक गए? सर कहने का मतलब क्या है मेरे बच्चे, जब तू कोई एक पॉइंट, कोई एक सब्जेक्ट में अगर तुझे कुछ चीज नहीं समझ में आ रही तो तू वहां पढ़ाई बंद मत करना, दूसरा सब्जेक्ट हाथ में ले। चेंज इज द रेस्ट, चेंज इज द रेस्ट। एक काम कर करके थक गए तो काम बदल दो। अपने शरीर को थोड़ी ना समझेगा कि भैया पहले अकाउंट पढ़ पढ़ के थक गया था, चलो ठीक है अकाउंट को आराम दे दो, लॉ हाथ में ले लो, लॉ पढ़ पढ़ के थक गए चलो लॉ को आराम दो, मैथ्स हाथ में ले लो। कुछ समझ में आ रहा है क्या? रेस्ट की जरूरत सब्जेक्ट को होती है, माइंड को नहीं। काफी लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है कि सर हमें ना एक घंटा कंटिन्यूस पढ़ते तो उसके बाद थक जाते हैं। बेटा सब आपकी सोच है, सब आपकी सोच है। अगर मैंने आपको बोल दिया मेरे बच्चों आज अगर आप पूरे 12 घंटे अच्छे से पढ़ लोगे तो 12 घंटे बाद अच्छे से पढ़ने के बाद मैं आपको 10,000 रुपए देने वाला हूं, एक बच्चा नहीं हिलेगा, कंटिन्यूअसली आप 12 घंटे तक पढ़ते रहोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके पास सही मोटिवेशन है। और मेरा अगला पॉइंट वही है बेटा, पहला लेजीनेस, दूसरा होम टाउन से बाहर जाते हो तो आप भूल जाते हो, तीसरा स्टक डाउन ऑफ बेटा, फोर्थ ऑप्शन है मोटी, फोर्थ जो चीज है क्यों नहीं आते बच्चों को पढ़ाई में अच्छे नंबर, क्यों नहीं आते एग्जम्पशन, क्यों बच्चे पास नहीं होते प्रोफेशनल कोर्सेज में सी ए सी एस सी एम ए में, उसके पीछे सही मोटिवेशन नहीं है उनके पास, सही मोटिवेशन नहीं है। मैं जितनी चीजें बता रहा हूं सब सारी चीजें मेरे पर्सनल, मेरे लाइफ से रिलेटेड है। सर आप भी जब आपका होम टाउन छोड़ के सिटी में आए थे तब आप भी भूल गए थे कि हाँ बेटा इनिशियली मैं भी भूल गया था मुझे क्या करना है, मैं क्यों आया। जब मैं मेरे माता पिता से बात करता था तब मुझे याद आता था कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूं, मैं पढ़ाई करने आया हूं, इसीलिए मुझे फाइनल में अटेम्प्ट लग गया था, फाइनल में मुझे अटेम्प्ट लग गया था, फाइनल में फर्स्ट में क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक हो गया था, भूल गया था। ये सेकंड वाला पॉइंट है, मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूं ये सारी बातें आप बीतिए, कोई गूगल से सर्च किया हुआ, कोई पावर पॉइंट की स्लाइड, कुछ मैं चीजें नहीं बता रहा हूं, आप बीती चीजें बता रहा हूं। सर एग्जम्पशन कैसे लेके आना है वो भी बता दो, सारी चीज बता दो, पहले क्या नहीं करना है वो समझ लो, एग्जम्पशन या पास नहीं होने के पीछे क्या क्या वजह है वो समझ लो। ऐसे ही आपके साथ होता होगा, स्टक डाउन, आप कोई भी एक प्रॉब्लम कर रहे हो वहां नहीं आ रहा तो वहीं अटक जाते हो, आप पढ़ाई बंद कर देते हो और बाहर चले जाते हो। लेजीनेस है, बरोबर है, भूल जाते हो कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आप इस सिटी में क्यों आए हो, भूल जाते हो बेटा काफी बार। तो वो पहले सारी चीजें समझ लो। उसके बाद है मेरे बच्चे मोटिवेशन, बच्चों के पास मोटिवेशन ही नहीं है काम करने का। बच्चे जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कोई कोई बच्चा पढ़ रहा है उसके पापा ने भेजा इसलिए पढ़ रहा है, कोई बच्चा बोल रहा है मेरे दोस्तों ने यहाँ एडमिशन लिया इसलिए मैं भी ले लेता हूँ, है ना, कोई बच्चा बोल रहा है कि यार लाइफ में कुछ करने के लिए कुछ है नहीं तो टाइम पास करने के लिए पढ़ रहा हूँ। हर किसी के ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, किसी के पास पढ़ाई करने का सही मोटिवेशन नहीं है। और जो बच्चों के पास करेक्ट मोटिवेशन होता है ना वो बच्चे ऐसे फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाते हैं। आपके पास करेक्ट मोटिवेशन होना चाहिए। अब मोटिवेशन मेरे बच्चे दो टाइप के हैं, एक है लॉन्ग टर्म और दूसरा है मेरे बच्चे शॉर्ट टर्म मोटिवेशन। एक है लॉन्ग टर्म और दूसरा है शॉर्ट टर्म। सारी बातें मेरी आप बीती है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहा हूं, यहां पे कोई भी फेक या इधर उधर से बताया हुआ नहीं है मेरे बच्चे। सो ध्यान देना, एक लॉन्ग टर्म मोटिवेशन है और एक शॉर्ट टर्म मोटिवेशन। सर शॉर्ट टर्म मोटिवेशन पहले बता दो, सुनना बेटा बच्चे मेरे जरा, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन क्या रहता है अच्छे से ध्यान देना, एक सेकेंड मैं इसको निकाल देता हूं यहां पे, ये देखो ध्यान देना मेरे बच्चे, हाँ ध्यान देना। शॉर्ट टर्म मोटिवेशन क्या, अब जब आप पढ़ रहे हो, अभी आपने पढ़ाई स्टार्ट किया, अभी बरोबर 2 घंटा पढ़ाई होने के बाद या 1 घंटा पढ़ाई होने के बाद या आधा घंटा पढ़ाई होने के बाद, जितना भी समय आपका कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रोडक्टिव स्टडी होगा उतना घंटा पढ़ाई करने के बाद, आप अपने आप से बोलो 2 घंटे बाद जो आपको अच्छा लगेगा आप वो करके आ जाओगे फॉर 15 to 20 मिनट। 2 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो 15 से 20 मिनट, 1 घंटा पढ़ाई किया तो 10 मिनट, समझ में आ रहा है क्या, आधा घंटा पढ़ाई किया तो 5 मिनट का ब्रेक लेना। सो 2 घंटा पढ़ाई होने के बाद जो आपको अच्छा लगेगा आप वो करके आ जाओगे, ये है आपके लिए शॉर्ट टर्म मोटिवेशन, ये है आपके लिए शॉर्ट टर्म मोटिवेशन। जो अच्छा लगता है सर, हमें जो अच्छा लगता है करके आ जाए, हाँ जो अच्छा लगता है करके आ जाए। अभी मैं सिर्फ पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं बेटा,
जो अच्छा लगता है कर लो, इतनी देर पढ़ाई करो, अपने आप को बोलो कि भैया इतना पढ़ाई होने के बाद में जो अच्छा लगेगा मैं वो करके आ जाऊंगा, ये मेरा शॉर्ट टर्म मोटिवेशन है। लॉन्ग टर्म मोटिवेशन, अपने आप को ये बोलो कि मेरा CA, CS और CMA जो भी आप कोर्स कर रहे हो, वो कोर्स खत्म होने के बाद, मान लो 5 साल लगने वाले, 5 साल ये खत्म होने के बाद मुझे आगे क्या क्या मिलने वाला है, मेरी शादी अच्छी जगह होगी, मेरे पेरेंट्स मुझ पे प्राउड करने वाले हैं, जीवन में मेरे पास अच्छा पैसा आने वाला है, मेरी जीवन में हर कोई रिस्पेक्ट करेगा, इज्जत करेगा, ये सारे लॉन्ग टर्म मोटिवेशन है। बट लॉन्ग टर्म मोटिवेशन से जनरली किसी को शॉर्ट टर्म फायदा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म मोटिवेशन को मद्देनजर रखते हुए कोई अभी 2 घंटे पढ़ाई नहीं करता है। इंसान का माइंड है ना बड़ा चंचल, बड़ा कमीना होता है। इंसान को अगर बोला भैया अभी 2 घंटा पढ़ाई कर, फिर इंसान पूछेगा क्यों? आप अपने आप को बोलोगे भैया 2 घंटा पढ़ाई करना है, आपका मन आपसे पूछेगा क्यों पढ़ाई करना है 2 घंटा, फिर आप बोलोगे भैया 2 घंटा पढ़ाई करेगा ना तो तुझे है ना 5 साल बाद शादी तेरी अच्छी जगह होगी, पेरेंट्स खुश होंगे, 5 साल बाद पैसा मिलेगा, आपका मन बोलेगा भाग यहां से। 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद तू मुझे 5 साल बाद फायदा दे रहा है, कोई 2 घंटा पढ़ाई करेगा क्या? ये तो ऐसी बात हो गई। प्लीज ध्यान देना, रेवेन्यू आइटम को आप कैपिटल आइटम के साथ कंपेयर कर रहे हो। मेरे बच्चों कुछ याद आया क्या? रेवेन्यू शॉर्ट टर्म आइटम को आप लॉन्ग टर्म के साथ कंपेयर कर रहे हो। आप सामने वाले से शॉर्ट टर्म में मेहनत करवा के ले रहे हो और उसको बोल रहे हो लॉन्ग टर्म में फायदा मिलेगा। आपका मन रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करता है मेरे बच्चे। अभी मेहनत किया ना तो अभी की अभी बता क्या फायदा मिलने वाला है। सो शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म, ऐसा आपने देखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म मेहनत करके आप लंबे समय का फायदा अपने मन को दिखा के अपने मन को बेवकूफ या चूतिया नहीं बना सकते हो। अपने मन को अगर आपको संभालना है, शॉर्ट टर्म में मेहनत करवाना है, तो उसको शॉर्ट टर्म वाला मोटिवेशन देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म वाला मोटिवेशन देना पड़ेगा। और सर शॉर्ट टर्म मोटिवेशन क्या रहेगा, प्लीज जान दे मेरे बच्चे, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन क्या रहेगा? भैया तू अभी पढ़ाई कर ले 2 घंटा, 2 घंटे बाद 15-20 मिनट जो तुझे अच्छा लगे करना, अभी पढ़ाई कर, ये 0 से लेके 1 घंटा, 1 घंटे बाद चल तुझे 10 मिनट जो अच्छा लगे कर लेना। 10 मिनट में किसी को स्पेशल चाय पीना अच्छा लगता है, स्पेशल चाय पी के आ जा। किसी को घूमना अच्छा लगता है, वॉक करना अच्छा लगता है, जा 5-10 मिनट के लिए वॉक करके आ जा। किसी को दोस्तों से बातें करना, चैटिंग करना अच्छा लगता है, चैटिंग कर ले। लेकिन इसमें अपने आप से इतना फर्म कमिटमेंट चाहिए, मिलिट्री डिसिप्लिन, मां की कसम लेकर के बैठना मेरे बच्चे पढ़ाई करते समय कि 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद 10 मिनट के ऊपर 11वां मिनट का ब्रेक नहीं लूंगा, इतना डिसिप्लिन चाहिए। नहीं तो पता चला 1 घंटे की पढ़ाई और 1 घंटे का ब्रेक, सब नासाड़ा, सब सत्यानाश हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। जो मैंने किया है मैं वो ही बता रहा हूं। मैं अपने मन को बहुत बार बेवकूफ बना चुका हूं, अपने मन को बोलता था यार 2 घंटा पढ़ाई कर ले, उसके बाद 10 मिनट जो तुझे अच्छा लगे मैं वो करवा के दे दूंगा, जो अच्छा लगे, फिर मैं सोचता नहीं था सही है गलत। चैटिंग करना अच्छा लगता है, चैटिंग कर लो, चाय पी लो, कुछ खाना पीना है कुछ खा के, वड़ा पाव खा के आना है वड़ा पाव खा के आ जाओ, कुछ भी करना है 10 मिनट 12 मिनट जो करना है कर लो। समझ में आ रहा? प्लीज ध्यान देना। ये है शॉर्ट टर्म मोटिवेशन। सो पैसा फिर कर लो, फिर 1 घंटा पढ़ाई करो, फिर 1 घंटा पढ़ाई करो, फिर अपने मन को बोलो कि यार अगर ये आने वाले चार दिन में अगर इतना इतना टारगेट पूरा हो जाता है तो मैं तुझे मूवी दिखाऊंगा। ये आने वाले 1 हफ्ते में इतना टारगेट हो जाता है तो हम लोग मूवी जाके आएंगे। हम लोग यानी कौन? मैं और मेरा मन। सारा खेल मन का है, सारा खेल स्ट्रेस मैनेज करने का है। CA CS CMA की एग्जाम आपको क्या लगता है? पढ़ाई कोई करता नहीं, पढ़ाई हर एक बच्चा करता है। जो बच्चा स्ट्रेस मैनेज कर पाया वो बच्चा पास, और जो बच्चा स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाया वो बच्चा फेल। So, अपने आप को आपको मोटिवेट रखना होगा, और मोटिवेट रखने के लिए शॉर्ट टर्म मोटिवेशन बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन बहुत जरूरी है। सो आप शॉर्ट टर्म में 1-1, 2-2 घंटे का मोटिवेशन रखो, 4 दिन की या 1 वीक का मोटिवेशन रखो। अपने आप को बोले मैं मूवी दिखाने लेके जाऊंगा, समझ में आया क्या? लेकिन ये लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से बच्चे को एग्जम्पशन नहीं आता। प्लीज ध्यान देना मेरे बच्चे। और उसके बाद कहीं ना कहीं अटक जाते हैं कोई एक जगह पे, इसलिए उसको एग्जम्पशन नहीं आता है, या फिर पढ़ाई के अंदर पास नहीं हो पाते, या तो होम टाउन से यहाँ पे क्यों आए भूल जाते हैं, इस चक्कर में पास नहीं होते, लेजीनेस के कारण। सर लेजीनेस, अरे लेजीनेस ही इतनी खतरनाक बीमारी है मेरे बच्चे। आज भी मैं काफी सारे काम जब करता हूं, आज भी मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर में आज भी काफी सारा लेजीनेस भरा हुआ है। सर कैसे? प्लीज ध्यान देना मेरे बच्चे। अगला पॉइंट बताने के पहले एक बार सिर्फ सुन लो अच्छे से। लेजीनेस के कारण आपको पता नहीं चलता। देखो अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं आपके साथ डेफिनेटली हुआ होगा,
देखते देखते आपको ऐसा लगता है कि कल ही की बात है, कल ही की बात है, ऐसा लगता है कल ही की बात है मैंने सीए कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, 50 लोगों से मैं सलाह ले रहा था, माँ बाप को कन्विंस किया कोर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए, पैसे जुगाड़े, एटीएम ढूंढ रहा था रजिस्ट्रेशन करने के लिए, मोबाइल पे करूँगी, इंटरनेट कैफे पे जाऊँगी, लैपटॉप पे करूँ, कैसे रजिस्ट्रेशन करूँ, पैसे अरेंज करके जुगाड़ लगवा के रजिस्ट्रेशन कर लिया। और उस दिन हमने कसम खाई थी, मम्मी पापा मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा, और देखो आज एग्जाम भी आ गई सीए की। ये इतना समय एक पलक झपकते ही बीत गया, पता भी नहीं चला, आलस आलस में। ऐसा लगता कल ही की बात है हमने रजिस्ट्रेशन किया था और आज एग्जाम आ गई। बताओ मेरे बच्चों, पता चला समय का? समय ऐसे निकल जाता है, आप पलक झपकते हो साल निकल जाता है, आलस करते हो साल निकल जाता है, लेजीनेस के कारण समझ में नहीं आता मेरे बच्चे। एक एक घंटे के ऊपर नजर रखना है आपने, एक एक घंटे के ऊपर नजर रखना है आपके, ये सुन। थोड़ा आगे बढ़ता बेटा, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, बच्चे है ना YouTube पे काफी सारे वीडियोस देखते हैं, बच्चों की विल पावर तो इंक्रीज हो जाती है बट बच्चों की वाई पावर बिल्कुल इंक्रीज नहीं होती है, वाई पावर बिल्कुल इंक्रीज नहीं होती है। वाई सर समझा नहीं, विल पावर हर किसी की अच्छी है आज के डेट में, आपकी वाई पावर मुझे चाहिए, वाई पावर। आप जब भी किसी से कुछ पढ़ते हो, सीखते हो, लर्न करते हो, तो एट दैट टाइम यू मस्ट आस्क वाई वाई वाई, ऐसा क्यों हुआ, हर चीज के पीछे पूछो वाई, क्यूरियसली आपने पूछना चाहिए, आपकी क्यूरियसिटी बहुत ज्यादा चाहिए। जैसे मान लो अगर बैलेंस शीट टैली हो रही है तो बैलेंस शीट टैली क्यों होती है, वाई। ये कैपिटल रिजर्व कभी कभी डेबिट होता है, कभी कभी क्रेडिट होता है, वाई। ये असेट अकाउंट बढ़ते हैं तो असेट अकाउंट को डेबिट करते हैं, वाई। असेट सेल किया तो असेट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, वाई। कुछ समझ में आ रहा है क्या? दुनिया पूरी लॉजिक के भरोसे चलती है, बगैर लॉजिक के दुनिया में कुछ नहीं है, बगैर लॉजिक के कुछ नहीं है मेरे बच्चे। साइंस में भी लॉजिक है, मैथ्स में भी लॉजिक है, अकाउंट्स में लॉजिक है, इकोनॉमिक्स में लॉजिक है, लॉ में लॉजिक है, जितने भी लॉ आज की दुनिया में आए हैं हर लॉ के पीछे लॉजिक है, बगैर लॉजिक के दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो सिर्फ विल पावर से काम नहीं होगा, लॉजिक, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वाई वाई। आई नीड योर वाई पावर, आई डोंट नीड योर विल पावर। आपकी वाई पावर चाहिए, वाई पावर। आप ऐसा पूछो हर बार आपके टीचर से, ऐसा क्यों हो रहा है, वाई वाई वाई। बच्चा ये करता ही नहीं, इसीलिए आपने एक चीज देखा होगा, जो साइंस वाले बच्चे रहते हैं जनरली सीए फील्ड में जल्दी पास हो जाते हैं, मैं जनरली बात कर रहा हूं, जनरल स्टडी है। और जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनको सीए फील्ड में पास होते हैं, सीएस में पास होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा अटेम्प्ट लग जाते हैं उसके बाद पास होते हैं। मैं बताता हूँ, साइंस वाले बच्चों का वाई पावर, लॉजिक, कार्य कारण भाव, कार्य कारण भाव, हर चीज के पीछे का लॉजिक वो समझने की कोशिश करते हैं। कॉमर्स का बच्चा लॉजिक नहीं समझता है, डायरेक्टली उसको मगअप करने की कोशिश करता है, लॉजिक नहीं समझता है। पहले लॉजिक समझो, पहले लॉजिक समझो, उसके बाद चाहे तो लर्न कर लो। मैं मना नहीं करता हूं लर्न करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में लर्न किया हुआ जिसको याद आ गया पास, जिसने लर्न किया हुआ एग्जाम में याद नहीं आया, या फिर उसने वो नहीं पढ़ा जो पेपर में आया, फेल, दैट्स इट। मैं मना नहीं करूंगा, लर्न मत करो, लर्न करो, लेकिन लॉजिक के साथ लर्न करो। कुछ आपको बात समझ में आ रही क्या? लॉजिक के साथ लर्न करना है, यस और नो? लॉजिक के साथ लर्न करना है मेरे बच्चे। जितनी भी चीजें बता रहे हो सब आप बीती चीजें मेरे बच्चे, लिख लेना या ध्यान देना, ये वीडियो सेव करके रख लेना, फिर से एक बार देख लेना, फिर से देख लेना, बरोबर है? उसके बाद आगे चलते हैं। सो विल पावर बच्चों के अंदर तो रहती है, गर्लफ्रेंड से दोस्तों के चक्कर में मिल जाती है, लेकिन वाई पावर तुम कहां से लाओगे? सो इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं मेरे बच्चे, देखो हमने कौन कौन से पॉइंट देखे, जो आप बीती वाले पॉइंट हो बता रहे हो, अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहला कारण है, सबसे पहला कारण है लेजीनेस। दूसरा, भूल जाता है बच्चा। तीसरा, एक ही जगह पढ़ाई करते करते कभी कोई पॉइंट पे अटक जाता है तो वहीं रुक जाता है, पढ़ाई बंद कर देता है, गेम ओवर। उसके बाद मोटिवेशन की कमी है, उसमें भी बच्चा बोलता है 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, 5 साल बाद मुझे पैसा मिलेगा, ऐसा मोटिवेशन नहीं चाहिए। रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाना, अभी 2 घंटे पढ़ाई किया, 2 घंटे बाद आपके मन को क्या मिलेगा वो बताओ, उसे लालच दो। और उसके बाद विल पावर तो बहुत है, वाई पावर की कमी है बच्चों के अंदर में, वाई पावर की कमी है, ध्यान देना मेरे बच्चे। आगे बता रहो, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे जरूरी पॉइंट है,
सबसे जरूरी पॉइंट है, अच्छे से लिखना बेटा, या लिख लो, सुन लो, या ये वीडियो बार बार देख लेना, आपको समझ में आ जाता होगा, आपको समझ में आ जाता होगा। प्लीज ध्यान देना, आपका जो मन है ना, वो बन, आपका जो मन है, मन मन ये बहाने ढूंढता रहता है पढ़ाई ना करने के, पढ़ाई ना करने के, ईमानदार से बोल रहा हूं, पढ़ाई ना करने के। सर हमने तो सुना था ये आज का वीडियो एग्जाम्पशन के लिए, आप ये सब हमें क्या बता रहे हो? बेटा मैं एग्जाम्पशन का ही बता रहा हूं, पहले ये समझ लो कि क्या नहीं करना है, फिर क्या करना है वो समझ लो अच्छे से, फिर सारी चीज बता दो कि सर एग्जाम्पशन कैसे लेके आना है। एग्जाम्पशन नहीं, डिस्टिंक्शन की बात बता दूंगा, ये चीज फॉलो कर लो, ऑल इंडिया रैंक वन भी आ जाओगे। सर आप ओवर तो नहीं बोल रहे हो, रैंक वन? हाँ मेरे बच्चे रैंक वन, जब 49% वाला बच्चा तुम्हारे सामने CA CS LLB बनकर के बैठा है तो तुम रैंक नहीं आ सकते हो यार? बिल्कुल आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो, पहले समझ लो। ये देखो ये आपके साथ भी होता है, जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, ये आप पढ़ाई करने के लिए बैठे, आप किताब खोल करके बैठे हो, बराबर है, ये आप पढ़ रहे हो, ये आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई करते समय दोस्त का फोन आ गया, यार मुझे ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, आप चले गए बाहर। पढ़ाई करते समय आपके किसी और रिश्तेदार का फोन आ गया, आप चले गए बाहर। पढ़ाई करते समय घर के कुछ काम याद आ गया, आप चले गए बाहर। मतलब पढ़ाई करते समय पढ़ाई ना करने के बहाने आपके मन देखो कितना ढूंढता है। अगर आप हर किसी को आप अगर मना कर दोगे कि नहीं यार मैं अभी नहीं आ सकता, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, या आप आपका फोन स्विच ऑफ करके रख दोगे ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की दुनिया में दरवाजा बंद करने से कुछ नहीं होता है, दरवाजा बंद रखने के बाद में भी अगर आप आपका फोन ऑन रखोगे ना, तो सारी दुनिया वाले आपको अप्रोच कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? और जिसको भी बहुत ज्यादा अर्जेंसी होगी, बहुत ज्यादा मरी का प्रश्न होगा, तो वो आपके घर वालों को फोन कर लेगा आपसे बात करना है। तो पढ़ाई करते समय प्लीज आप आपका फोन ऑफ रखो। फोन के ऊपर एक स्पेशल पॉइंट बताने वालों, बिल्कुल चिंता मत करना, लेकिन जैसे आप फोन ऑन रखते हो, किसी का फोन आ गया, तो आपका मन आपको बोलता है यार जाना पड़ेगा, वो अच्छा दोस्त है, पढ़ाई तो क्या आने की बात कर लेंगे, उसको जरूरत है, किताब बन चले गए बाहर। अपने आपको ही बहाना दे दिया कि नहीं अभी तो मुझे वहां जाना है तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, अभी तो मुझे ये काम करना है पढ़ाई नहीं करूंगा। और जो बच्चे अपना घरदार छोड़ करके रूम पे रहने के लिए आते हैं ना, अपना होम टाइम छोड़ के, अपना होम टाउन छोड़ के जो बच्चे सिटी में रहने के लिए आए, वो बच्चे क्या करते, सिटी में जिस किसी रूम में रहते हैं, वो रूम की साफ सफाई करने में, साफ सफाई कर लो, कपड़े धो लो, रूम में और कुछ कर लो, है ना, से एग्जाम पास में आ रही तो मंदिर मस्जिद चर्च चले जाओ, मतलब ये सारे काम करने के लिए उनके पास टाइम है। मैं मना नहीं करता हूं मंदिर मस्जिद चर्च जाना चाहिए, बट डेफिनेटली अगर आप रोज जा रहे हो तो जाओ, एग्जाम के समय आप एक्स्ट्रा चीज करने के लिए, एग्जाम के समय, एग्जाम आई तो प्रेशर के चक्कर में बस भैया हम लोग मंदिर मस्जिद चर्च जा रहे हैं, माँ ने बोला था बादाम खाने से चीजें याद रहेगी, एग्जाम पास में आ गए तो किराना शॉप पे जाकर के बादाम लेके आ रहे, जूस पी रहे हो, अभी मत चेंज करो, ये करना था तो स्टार्टिंग से। एग्जाम के समय साफ सफाई, झाड़ू पोछा, दूध, मंदिर मस्जिद चर्च, कुछ नहीं करना है एग्जाम के समय, सिर्फ सिर्फ पढ़ाई करना है। सर अब तो बताओ दो एग्जाम्पशन कैसा लाना है? अब मैं जब पढ़ाई की बात कर रहा हूं तो सुनना जरा अच्छे से, पढ़ाई के केस में बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूं। हम भारतीय लोग क्या करते हैं मालूम है? वी आर वेरी गुड एट प्लानिंग एंड वेरी बैड एट एग्जीक्यूशन। हम लोग प्लानिंग तो बहुत कर लेते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। सो मैंने प्लान किया, सब रूम साफ सफाई करके अब मैंने प्लान किया कि अब मैं ऐसे ऐसे पढ़ाई करूंगा, प्लान बना लेता हूँ पूरा लंबा चौड़ा बैठ करके, कई सारे पेजेस पे मैंने प्लान लिख दिया पूरा कि अब मैं एग्जाम तक क्या क्या करने वाला हूँ। प्लान लिखने के बाद अब प्लीज ध्यान देना, हम उस सपने में हम लोग जीना शुरू कर दिए, प्लान लिख दिया और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरा तो प्लान बहुत अच्छा बन गया, चल अब दोस्त के साथ में चाय पी के आ जाता हूं, चल घूम के आ जाता हूं। बस आपने प्लान ही बनाया, वो प्लान को अभी तक आपने एग्जीक्यूट नहीं किया और आप बाहर चले गए। प्लान बना के आपको अच्छा लगने लगा ना, फील गुड, वाह यार प्लान बन गया, अब शायद काम हो जाएगा, अब काम हो जाएगा। पढ़ाई के लिए आपने प्लान बना दिया, अब काम हो जाएगा, प्लान बना करके आप चाय पीने चले गए, आपका प्लान में जो पहले दिन जो आपने करना था वो आपने नहीं किया, पूरा का पूरा प्लान फेल हो गया, पूरा पूरा प्लान फेल हो गया। और ऐसे ही आप एग्जाम आने तक ऐसे एक बार, दो बार, तीन बार, कितने एक बार प्लान बना लेते हो, कितने एक बार आप प्लान बना लेते हो, ये सर नो, और वो सारे प्लान फेल हो जाते हैं। इसीलिए मैं बोलूंगा प्लान करो लेकिन प्लान कब करो, बाद में। सर समझा नहीं, बाद में सर नहीं समझा, अब सुनना, पहले पढ़ाई स्टार्ट करो, जस्ट जस्ट स्टार्ट स्टडी,
जस्ट स्टार्ट स्टडी, सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट करो, जस्ट स्टार्ट, जहां हो वहां से स्टार्ट करो, जैसे हो वैसे स्टार्ट करो, जो साधन है उससे स्टार्ट करो, जो रिसोर्सेस है उससे स्टार्ट करो, बस स्टार्ट करो। सर मेरे पास अभी अकाउंट्स का मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर में जो चैप्टर निकल रहा है उससे स्टार्ट करो, वो चैप्टर नहीं समझ में आ रहा बेसिक से स्टार्ट करो, कुछ भी, लेकिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करो। पहले एक दो तीन चार दिन ये सिर्फ पढ़ाई स्टार्ट करो, और ये तीन चार दिन पढ़ाई करने के बाद प्लान बनाओ, ये तीन चार दिन पढ़ाई करने के बाद प्लान बनाओ। बच्चे क्या करते हैं, पहले प्लान बना लेते हैं, वो प्लान के अंदर में पढ़ाई होती नहीं है, प्लान फेल। लेकिन मेरा बोलना है पहले जस्ट स्टार्ट स्टडी, कुछ तो स्टार्ट करो, कुछ तो आपका बेस स्टार्ट तो कर दो। बच्चे पढ़ाई स्टार्ट नहीं करते, प्लान बनाते रहते, बस प्लान बनाने बनाने में साल निकल जाता है, झाड़ू पोछने में साल निकल जाता है, टाइम पास में साल निकल जाता है। पहले पढ़ाई स्टार्ट करो, जहां हो वहां से स्टार्ट करो। कुछ समझ में आया क्या? सर हमने तो सुना था फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। बेटा बिल्कुल सही सुना आपने, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि प्लान बनाओ मत। दो तीन दिन पहले जस्ट पढ़ाई तो स्टार्ट करो, उसके बाद फिर प्लान बना लेना। सर इससे फायदा क्या है, आप जब तीन चार दिन पढ़ाई करोगे ना तो आपको प्लान बनाने में बड़ी मदद मिल जाएगी, आपको तीन चार दिन में अपने आप को समझने का मौका मिल जाएगा। क्यों सर, हम अपने आप को समझते नहीं क्या? वाह देख लिया मैंने, बड़ा समझते हो आप अपने आप को। इतने सारे पॉइंट में आपको समझा रहा हूं, ये सारी चीजें आप बीती है मेरे बच्चे। सर आपने भी ऐसी किया था, जितने पॉइंट बता रहा हूं सारी चीजें मैंने ऐसी फॉलो की थी। नेक्स्ट पॉइंट अच्छे से सुनना मेरे बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट सुनना जरा अच्छे से, सुनना सुनना। सर आपने प्लानिंग कैसे किया था, ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया मेरे बच्चे, ऑलरेडी मैंने वो पिछले लेक्चर में बता दिया, यहां मुझे फिर से अभी वो चीज बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कैसे किया था फिर भी बता देता हूं, ये सारे टॉपिक के नाम लिख लो, ये सारे टॉपिक के नाम लिख लो, ये अकाउंट है, अकाउंट है, ये अकाउंट में समझ लो टोटल है 10 टॉपिक, उसके बाद ये लॉ सब्जेक्ट है, लॉ का सब्जेक्ट का 10 तक के अकाउंट हो गया 11 12, लॉ 20, उसके बाद मैथ्स यहीं से स्टार्ट कर दो 21 से, ऐसे आपके जो भी है सीए फाउंडेशन के मान लो टोटल 80 टॉपिक हो गए, टोटल आपके 80 टॉपिक हो जाएंगे, चार पांच पेज रजिस्टर के लग जाएंगे बेटा। और यहाँ पे अकाउंट का टॉपिक के सारे नाम लिख दिए, उसके बाद ये रीडिंग 1 का कॉलम, रीडिंग 2 का, रीडिंग 3 का, और ये टेस्ट का कॉलम, रीडिंग 1 कंप्लीट, रीडिंग 2 कंप्लीट, रीडिंग 1 कंप्लीट, इस टॉपिक का रीडिंग 1 कंप्लीट, इस टॉपिक का रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3, और टेस्ट भी दे दिया। ऐसा आप पूरा टेबल बनाओ, ये आपका रहेगा प्लानर, ये आपको जवाब देगा कि कितना पढ़ाई हो गया, कितना बाकी है, और जो बाकी है वो कब तक करना है। कुछ बात समझ में आ रही है? और ये प्लानर को देख करके आपने हर दिन पढ़ना है, ये प्लानर को देख करके हर दिन पढ़ना है, प्लानर को देख करके। सर आप तो हमें अभी तक ऐसा लग रहा हो कि क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है जीवन में, वो ही बता रहे हो। प्लीज बच्चे मैं वो ही बता रहा हूं, आप ध्यान देना अच्छे से, आप अच्छे से ध्यान देना मेरे बच्चे। अब जो बता रहे हो वो सारी काम की चीजें, सर अभी तक जो बताई वो काम की नहीं थी क्या? नो, वो भी काम की थी, वो जीवन के लिए काम की थी, अभी जो बता रहा हूं वो रिसेंट में आने वाले शॉर्ट टर्म एग्जाम के लिए काम की। अभी तक जो मैंने चीजें बताई उसमें से एक चीज भी आपने अच्छे से फॉलो कर ली ना मेरे बच्चे, आपको अकाउंट्स तो क्या चारों सब्जेक्ट में एग्जम्पशन आ जाएगा, चारों सब्जेक्ट में। अब अच्छे से ध्यान देना, सबसे पहली चीज मैं बता रहा हूं। अब बच्चे बोलते ना कि सर फिर भी चलो सर ऊपर की सारी चीज हमने फॉलो कर ली तो हम लोग एग्जम्पशन कैसे ले पाएंगे अकाउंट में, एग्जम्पशन यानी अकाउंट सब्जेक्ट में 60+ कैसे ला पाएंगे? 60 नहीं मेरे बच्चे, आप 80+ भी ला सकते हो अकाउंट्स में। अब अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहली चीज क्या है पता है, सीए की एग्जाम में, मैं सीए के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सीए 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 में जो कोई भी आपकी एग्जाम है लिखते हैं, मैं सीए लिखूंगा, सीए की एग्जाम में आपका अकाउंट ये कोर सब्जेक्ट है, ये हर किसी को पता है, यस और नो अच्छे से ध्यान देना। अब ये कोर सब्जेक्ट है तो हर किसी का यहाँ पे पीयर प्रेशर रहेगा, या हर किसी का यहाँ पे प्रेशर बना रहेगा बेटा, हर किसी का यहाँ पे प्रेशर बना रहेगा यार, इस सब्जेक्ट में तो अच्छा स्कोर करना है, इस सब्जेक्ट में तो अच्छा स्कोर करना है। और ये सब्जेक्ट तो सर हमें आता भी है, 12th स्टैंडर्ड में सर मुझे अकाउंट्स में 90 थे, सर 12th में मुझे 80 थे, सर 12th में मुझे 99 थे। तो बच्चा है ना पहले से अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहा है, और बच्चा बोल रहा है सर अकाउंट तो कोर है, प्रैक्टिस में भी काम आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अकाउंट में अच्छा स्कोर लाना ही है, मुझे तो 12th में भी अच्छा था, और मुझे सर यहाँ पे भी अच्छा स्कोर करना है। तो ये आप प्रेशर लेना शुरू कर देते हो, बरोबर है क्या? तो ये प्रेशर लेना बंद कर दो। दुनिया में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो मैं चीज बोल रहा हूं बड़े काम की है, प्लीज ध्यान देना। आप बोलोगे सर पागल हो गए, नो मैं पागल नहीं हूं, सुनना। 2+1=3, क्या बोला मैंने?
टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, मेरे साथ साथ बोलो टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। सर क्या फालतू बात कर रहे हो, ये तो कितना सिंपल है, ये तो कितना आसान है। यस, वैसे ही अकाउंट भी उतना ही आसान है। दुनिया में हर चीज आसान है जैसे ही आपको वो पता चल जाती है। लास्ट वाला सेंटेंस सुना ही नहीं किसी ने? दुनिया में हर चीज आसान है जैसे ही आपको पता चल जाती है। जब तक कोई चीज आपको पता नहीं है ना, तब तक वो आसान नहीं है। आपको पता चलने के बाद हर चीज आसान हो जाती है, पता चलने के बाद। तो सर वो पता चलना है तो वो क्या है? बस वो पता चलने के लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप और मैं बचपन से पढ़ाई बोल रहे हैं। वो जो पता चलने की जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को पहले ऋषि मुनि लोग तपस्या कहते थे, हम आज के जमाने के युवक लोग उसे पढ़ाई कहते हैं। ये सर नो सर, वही तो बता दो पढ़ाई कैसे करना है। बेटा पढ़ाई कैसे करना है, बड़ा आसान है, इतना ही जितना 2+1=3 है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जस्ट स्टार्ट। जब आप कोई काम करोगे ना, तो ऊपर वाला बहुत सारे हर्डल्स बीच में डालेगा। ये सारे हर्डल्स को आपने पार करके आपने पढ़ाई करना है मेरे बच्चे। सर हर्डल्स कैसे आएंगे, थोड़ी देर पहले बताया था, दोस्त का फोन आ गया, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, टीम का हो गया। सर आप बार बार ट्रैफिक पुलिस क्यों बोल रहे हो? हाँ मेरे बच्चे, जब मैं फाइनल में था तब मुझे मेरे दोस्तों फोन आते थे। मैं रूम पे रहता था यहाँ पुणे में, और दोस्त का फोन आया, भाई ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी उठा लिया, प्लीज आ जा। पढ़ाई बंद करके चला गया के जैसे उनके पीछे। आखिरी में मुझे सौगंध लेना पड़ा मेरी माँ की कि अब मैं सुबह से शाम फोन ऑफ रखूंगा, उसके बाद ही फोन ऑन करूंगा। कुछ समझ में आ रहा है? ये ऊपर वाला हर्डल्स देगा आपको, बीच में तकलीफें देगा, वो सारी तकलीफों को क्रॉस करके आपने रुकना नहीं, बीच में आगे बढ़ना है। और पढ़ाई कैसे करना है, जस्ट स्टार्ट करो। सर ये चीज है ना, पहले स्टार्ट करो, ये चीज समझ में नहीं, अब समझ में आएगी, प्लीज ध्यान देना मेरे बच्चे, प्लीज ध्यान देना, ये ध्यान देना। बहुत छोटी स्टोरी बता रहा हूं मैं, बट ये स्टोरी में गहरा मीनिंग है। ये मेरा घर है, ये यहां पे, ये मेरी माँ है, और ये मैं हूं, ये मैं घर से बाहर निकला, और यहां रास्ते में यहां बड़ा घनघोर जंगल है, ये घनघोर जंगल है, और इस साइड में यहां पे, ये इस साइड में मेरे मामा जी का घर है, ये इस साइड में मेरे मामा जी का घर है, ये मेरे मामा जी का घर है, ये रास्ता बड़ा ही लंबा है, ये बड़ा ही लंबा रास्ता है, और रात हो गई है, रास्ते में घना जंगल है। मेरी माँ बोली, जा बेटा सीधा जा, यहाँ से सीधा जाना, जंगल खत्म होती, जंगल के उस पार मामा जी का घर है, मामा जी तुझे मिलेंगे, और वहां जाकर के अभी छुट्टियां मना ले आराम से कुछ दिनों तक, कोई चिंता वाली बात नहीं है, प्रभु का नाम लेते लेते चला जा। अब ध्यान देना अच्छे से, प्लीज ध्यान देना, गहरा मीनिंग है इस बात में। बेटा मैं निकल गया, यहाँ पे आया, अब रास्ते में घना अंधेरा था, प्लीज ध्यान देना मेरे बच्चे, घना अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा है जंगल में। मैं फिर से मेरी माँ के पास चला गया, माँ को बोला, माँ रास्ते में तो बहुत अंधेरा है। माँ ने बोला, एक काम कर, ये ले टॉर्च ले ले। माँ ने एक टॉर्च दे दिया, ये टॉर्च का लाइट लेकर के बोले, तू चला जा आगे। मैं टॉर्च लेकर के आगे निकला, जैसे ही आगे निकला, टॉर्च का लाइट जो भी था, टॉर्च का जो लाइट था वो ये, यहाँ पे जब मैं खड़ा था तो टॉर्च का लाइट यहाँ तक आता था, यहाँ तक। मुझे तो आखिरी तक का कुछ दिख नहीं रहा था जंगल में, यहाँ तक का। फिर से मैं माँ के पास चला गया, माँ को बोला, मम्मी टॉर्च का लाइट तो मुझे यहां से यहां तक ही दिखा रहा है, मुझे तो जंगल के उस पार जाना है। माँ ने क्या बोला, बेटा जितना तुझे टॉर्च का लाइट दिख रहा है तू वहां तक तो चल। मैं वहां तक चलता था, टॉर्च का लाइट और आगे आ गया, फिर यहां तक मैं चला, टॉर्च का जो लाइट था वो लाइट यहां तक आ गया, फिर मैं यहां तक चला, लाइट यहां तक। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता लाइट भी आगे बढ़ता, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता लाइट भी आगे बढ़ता। कुछ बात समझ आई क्या? सो जंगल में आप बस चलते चले जाओ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपको अपने आप राह दिखनी शुरू हो जाएगी। बच्चा क्या करता है पता है? ये आज यहां पे बैठा है, 6 महीने बाद एग्जाम है, बच्चे को आज यहां से बैठे बैठे 6 महीने बाद क्या होने वाला है, या आज यहां पे बैठे बैठे पूरा 6 महीने का उसको प्लानिंग करना है।
6 महीने का प्लानिंग आप अभी से आज अभी यहीं बैठे बैठे कर पाओगे क्या? 6 महीने का प्लानिंग आप अभी से बैठ के नहीं कर सकते हो। जिस प्रकार मैंने एग्जांपल दिया, आप जब टॉर्च लेके आगे चल रहे थे तो आपको टॉर्च में कितना दिख रहा था, यहां से थोड़ा सा आगे, यहां से थोड़ा सा आगे, आप आगे बढ़े लाइट आगे बढ़ा, आप आगे बढ़े लाइट आगे बढ़ा, आप आगे बढ़े लाइट आगे बढ़ा। तो वैसे रियल लाइफ में भी थोड़ा सा छोटे छोटे शॉर्ट टर्म प्लान बनाओ, शॉर्ट टर्म प्लान बनाओ, कंप्लीट करो, सेलिब्रेट करो, शॉर्ट टर्म प्लान बनाओ, कंप्लीट करो, सेलिब्रेट करो, शॉर्ट टर्म प्लान बनाओ, कंप्लीट करो, सेलिब्रेट करो, शॉर्ट टर्म प्लान बनाओ, कंप्लीट करो, सेलिब्रेट करो। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? शॉर्ट टर्म प्लान बनाना है, कंप्लीट करना है, सेलिब्रेट करना है, शॉर्ट टर्म प्लान बनाना है, कंप्लीट करना है, सेलिब्रेट करना है। तो वो बच्चे को समझ में आया कि जंगल के उस पार में पूरा एक नजर में एक साथ नहीं देख पाऊंगा, जहां तक लाइट जा रहा है वहां तक तो आगे चलो, आप आगे चले तो लाइट भी आगे जाएगा, राह दिखते जाएगी। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला था जस्ट स्टार्ट योर जर्नी। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको राह दिखते जाएगी, दिखते जाएगी, दिखते जाएगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको खुद बहुत समझ में आ जाएगा आप क्या करना है। आपको किसी कोई प्लान, किसी कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बात समझ में आ रही है क्या बच्चों? सो प्लीज ध्यान देना अब जो मैं बात कर रहा हूं है बेटा। सो थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करना। सो जो मैं अकाउंट्स पेपर की बात कर रहा हूं, सबसे पहली चीज अकाउंट का पेपर लेंदी आने वाला है। एग्जाम में अकाउंट्स का पेपर लंबा है, ऐसा सोचो कि 4 घंटे का पेपर आपको, 4 घंटे का पेपर आपको 3 घंटे में खत्म करना है। सर ये बात समझ नहीं आई, सुनना, अकाउंट का पेपर सिर्फ लेंदी होता है, टफ नहीं होता है, लेंदी होता है, और क्या होता है, सिंपल होता है। सर आप फालतू बात कर रहे हो, यकीन नहीं आता है तो चेक कर लो, किसी से भी पूछ लो, पूरा पेपर टफ नहीं रहेगा। एक हाथ क्वेश्चन टफ आए तो क्या पूरे पेपर को टफ बोल देंगे? सर फिर बच्चे स्कोर क्यों नहीं कर पाते अकाउंट्स में? बच्चे अकाउंट्स में 60+ क्यों नहीं लेके आते? जिन्होंने ट्वेल्थ में अकाउंट में 90+ का स्कोर किया, वो सीए की एग्जाम में 60+ भी लाने में उनकी हालत खराब हो जाती है, पसीने छूट जाते। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है अकाउंट का पेपर लेंदी है। तो क्या हुआ, सिंपल है लेकिन लेंदी है। ट्वेल्थ में आपको 90+, वाह बेटा। अभी अचानक क्या सरस्वती ने आपके सर के ऊपर से हाथ उठा लिया कि अब आपको अकाउंट समझ भी नहीं आएगा? नॉलेज आपको भी है, बस आपका पेपर जो है ना, 4 घंटे का पेपर आपको 3 घंटे में सॉल्व करना है, ऐसा समझो, इतना लेंदी होता है। तो आपको 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना है, और ये बच्चों से होता नहीं है। इसीलिए बच्चा अकाउंट्स में 60+ स्कोर नहीं कर पाता, या कोई भी सीए के पेपर में। सर इसके लिए क्या करना चाहिए, एक वर्ड में बताओ क्या करना चाहिए? इंपॉर्टेंट है, पता सबको है। देखो मैं लिख रहा हूं, प्रैक्टिस करना चाहिए। जितनी ज्यादा आप अकाउंट्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे मेरे बच्चे, उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ बात समझ में आ रही क्या? जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। सर इससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना मेरे बच्चे, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको आदत हो जाती है फटाफट सॉल्व करने की। आप 4 घंटे के उतना लेंथी पेपर भी आप 3 घंटे में आराम से खत्म कर पाओगे, अगर आपने रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस किया है तो। कुछ बात समझ में आ रही क्या? सो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। कुछ बात समझ में आ रही? सर प्रैक्टिस तो हम लोग कर लेंगे लेकिन कैसे करना है बता दो ना, प्रैक्टिस कैसे करना है? देखो अच्छे से ध्यान देना, कोई भी एक बुक हाथ में उठाओ, स्टिक टू वन बुक ओनली। सर मान लो हमने ICAI का मॉड्यूल उठा लिया तो आखिरी तक मॉड्यूल से ही करो, आखिरी तक मॉड्यूल से ही करो। एक सेकेंड ना, पेन का नेप टूट गया क्या? नो, आखिरी तक आपने अगर ICAI का मॉड्यूल उठाया है तो आखिरी तक मॉड्यूल से ही करो। सर और अगर टाइम मिलता है, कोई अगर टाइम मिला तो कोई आप और एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक या एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। लेकिन जो कोई भी सॉल्व करो पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि उस क्वेश्चन का क्या कहना है, वहां पे वो आपसे क्या जानना चाह रहा है, इंस्टीट्यूट आपसे क्या चाहती है। सो ध्यान देना, ये आपने क्वेश्चन उठा लिया, ये मॉड्यूल उठा लिया, मॉड्यूल उठाने के बाद में आप कोई भी उसमें का एक टॉपिक हाथ में उठाओ, वो टॉपिक हाथ में लेने के बाद में सबसे पहले उस टॉपिक को रीड करो, उसे समझो वो क्या कहना चाहता है। रीड करने के बाद आप आपके प्रिंसिपल डेवलप करो,
आप आपके प्रिंसिपल सब प्रिंसिपल डेवलप कैसे करना है, जैसे ऐसा है तो अच्छा ऐसा करना है। आप आपके प्रिंसिपल डेवलप करो, उसके बाद अगली स्टेप है मेरे बच्चे, वहां पे जो कोई भी थ्योरी है वो थ्योरी क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर मन के मन में बोलो या फिर शॉर्ट पॉइंट में आंसर लिख के देखो थ्योरी के, क्रॉस चेक करो आंसर के साथ, उसके बाद आखिरी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन हाथ में लो, क्वेश्चन पढ़ो और हाथ से सॉल्व करके देखो राइटिंग प्रैक्टिस। सर इतना सारा करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, मैं कहां बोल रहा हूं पूरे क्वेश्चन करना है, मैं क्या बोल रहा हूं पूरे फॉर्मेट के साथ सॉल्व करना है, सॉल्व तो करो एग्जाम के समय कम है तो। हाँ टाइम बहुत ज्यादा है तो डिटेल में सॉल्व करो, पूरी आपकी नोट्स बन जाएगी, टाइम कम है तो फटाफट से शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस करो। 1 2 3 4 5 सिंपल बस ये स्टेप्स है। और सबसे लास्ट वाला स्टेप जो बच्चे करते ही नहीं है, जो एग्जम्पशन मेरिट वाले बच्चे करते हैं, वो लास्ट वाला स्टेप ये है मेरे बच्चे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। ये जो कुछ आपने ऊपर के 1 2 3 4 5 स्टेप में किया ना, उस सबका समरी लिखो, क्या इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल की एडजस्टमेंट है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें है, कहां आपका गलत हो गया, ये हर एक चैप्टर का समरी नोट्स, जो सिर्फ पास होने वाले बच्चे या 60 प्लस वाले या रैंकर बच्चे ही बनाते, हर एक कोई नहीं बनाता। और जो बच्चे फेल होते हैं ना, बस वो इतना ही करते हैं, टॉपिक निकालते हैं, पढ़ते हैं, गेम ओवर, ना वो थ्योरी लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ बात समझ में आ रही क्या? तो ऐसी गलती मत करना, आपने पूरी स्टेप करना है, पूरी पूरी सारी स्टेप्स आपने फॉलो करना है, आखिरी में समरी नोट्स भी बनाना है। सर समरी नोट्स क्यों बेटा? जब सिलेबस इतना बड़ा है, एग्जाम के समय एक रात में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं होता है, इसीलिए समरी नोट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि एक रात में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए समरी नोट जरूरी मेरे बच्चे, इसीलिए समरी नोट जरूरी। कुछ बात समझ में आ रही क्या? सो समरी नोट्स बनाओ। सर समरी नोट्स कैसे बनाना है? आपको जैसी अच्छी लगती वैसे बनाओ, हर बार किसी को सवाल मत पूछो ऐसा, सर अब ये कैसे करना, आप करो तो सही, जो आप करोगे बिल्कुल सही करोगे, रब के बच्चों आप मेरी बात सुनो, अपने आप पे भरोसा करो, जो आप करोगे बिल्कुल सही करोगे। एक बार बनाओ के बना के तो देखो, जैसी अच्छी लगती वैसी बनाओ, एक टॉपिक की समरी नोट्स बनाओ, कोई जो आपका टीचर है आप उसको समरी नोट्स बना के भेजो, या फिर मुझे समरी नोट्स बना करके भेजो, ये लो मेरा नंबर लिख लो 9822093220, मुझे भेजो समरी नोट्स बना करके, मैं चेक करता हूँ उसमें क्या क्या इंक्रीमेंट क्या क्या करेक्शन आपको करना है, मैं चेक करके बताऊंगा, लेकिन करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अच्छे से ध्यान देना मेरे बच्चे, अच्छे से ध्यान देना। सर एग्जम्पशन के लिए क्या क्या अभी तक आपने बताया उसको समराइज करके बता दो, अच्छे से ध्यान देना। मैं अभी तक क्या क्या बताया उसको समराइज करके बता रहा हूं। सबसे पहली चीज, एक टाइम पे एक चैप्टर उठाओ, उस एक चैप्टर को थरो रीड करो, रीड करने के बाद उस चैप्टर की थ्योरी अच्छे से समझने के बाद आप आपके प्रिंसिपल्स डेवलप करो, प्रिंसिपल्स डेवलप करने के बाद थ्योरी क्वेश्चन लिख करके देखो या शॉर्ट पॉइंट में, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन शॉर्ट पॉइंट में शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस करके देखो, उसके बाद लास्ट में समरी नोट्स बनाओ। यस और नो? उसके बाद सबसे जरूरी चीज प्लीज ध्यान देना मेरे बच्चे, एक एक मिनट के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। सर ये बात कुछ समझ में नहीं आया, एक एक मिनट के ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए मतलब क्या? सुनना, हर एक घंटा होने के बाद आप अपने आप से पूछो कि पिछले एक घंटे में क्या किया, या हर दो घंटे होने के बाद पूछो। बच्चा कब पूछता है पता है अपने आप से? पूरी एग्जाम खत्म होने के बाद, एक साल खत्म होने के बाद बच्चा अपने आप से पूछता है कि मैंने पिछले एक साल में क्या किया। और वो बच्चा नहीं पूछता है, बच्चे के पापा पूछते हैं कि पिछले एक साल में क्या किया आपने। समझ में आए? एक साल बाद आपके पापा आपको गाली मारेंगे, आपके टीचर गाली मारेंगे, या आप अपने आप को गाली मारोगे। एक साल बाद करने से अच्छा मेरा कहना है कि हर एक घंटे बाद अपने आप से पूछो पिछले एक घंटे में क्या किया। इसे कहते हैं हर एक मिनट हर एक घंटे के ऊपर नजर रखना, यानी जो पछतावा आपको एक साल बाद होने वाला है, किसी के और कहने पे आपको गालियां पढ़नी पड़ेगी, किसी के और के कहने पे आपको समझ में आएगा, वो चीज आप हर एक घंटे बाद अपने आप से ही पूछ लो ना कि यार पिछले एक घंटे में क्या किया, पिछले एक घंटे में क्या किया। कुछ बात समझ में आ रही है? इसे कहते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन।
इसे कहते हैं सेल्फ इवेल्युएशन, सारे सब्जेक्ट के लिए काम आएगा। पिछले एक घंटे में क्या किया ये अपने आप से पूछो, पिछले एक घंटे में क्या किया ये पूछना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक साल बाद आपके पापा आपको पूछेंगे भैया एक साल से सीए कर रहा है क्या कर रहा है फेल होने के बाद। सर हमने अपने आप से पूछा और एक घंटा खत्म हो गया, पिछले एक घंटे में हमने कुछ नहीं किया ये जवाब आया, तो मेरे से लिख लो आप आज ही आप फेल हो। सर ये तो बड़ा कड़वा बोल रहे हो। हाँ मेरे बच्चे सच कड़वा ही होता है। अगर हर एक घंटे बाद आप अपने आप से पूछ रहे हो और आपको जवाब यही आ रहा है कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया, तो आप फेल होने वाले हो, आप फेल होने के कगार पे बढ़ रहे हो मेरे बच्चे। सर जवाब कैसा आना चाहिए? जवाब ऐसा आना चाहिए, ये एक घंटा खत्म हो गया, जवाब ऐसा आना चाहिए कि मैंने पिछले एक घंटे में, ये जवाब ऐसा आना चाहिए पिछले एक घंटे में मैंने अकाउंट के ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशन पढ़ लिया, ये लॉ का मैंने इतना पढ़ा, या फिर पिछले एक घंटे में मैंने ये पढ़ा। ऐसा सटीक जवाब, टू द पॉइंट जवाब आना चाहिए, मुद्दे सूत्र टू द पॉइंट जवाब आना चाहिए, तो समझ जाना आप कुछ कर रहे हो। और रात में सोते समय जब आप बेड पे जाते हो, जब आप बेड पे जाते हो तो तब सोते समय भी आप अपने आप से पूछो कि मैंने आज दिन भर में क्या किया, और वहां पे भी अगर जवाब कुछ ठीक ठाक नहीं आ रहे तो समझ जाओ आपका वो दिन वेस्ट हो गया मेरे बच्चे, वेस्ट हो गया। कुछ बात समझ में आ रही क्या? बात समझ में आ रही है? यस और नो? ये सारी चीजें आपको फॉलो करना होगा। सर ये तो बता दो कि अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर में एग्जम्पशन लेके आना है, तो मेरे बच्चे मैं वो ही सारी चीजें बता रहा हूं, ये ही सारी चीजें इसमें कि अगर 50% चीजें भी आपने फॉलो कर लिया ना, तो अकाउंट ही नहीं सारे सब्जेक्ट में, हर लेवल हर एग्जाम के हर सब्जेक्ट में आपको डिस्टिंक्शन आ जाएगा। प्लीज ध्यान देना। सर अब अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर में इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो बता दो फटाफट से। ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट के लिए स्पेशल क्लास लिया है, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूं, सुनना जरा, मैं फिर से बता रहा हूं मेरे बच्चे, फिर से बता रहा हूं, प्लीज ध्यान दे दो। ये 7, 8, 9, 10 ये आपके सारे टॉपिक है, अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन, ये अकाउंटिंग प्रोसेस, उसके बाद ये आपका टॉपिक है BRS, देन है इन्वेंट्री, देन है डेप्रिसिएशन, देन आपके स्पेशल ट्रांजेक्शन, देन है बेटा आपका ये फाइनल अकाउंट, देन आपका है ये NPO, देन आपका है पार्टनरशिप अकाउंट, और देन आपका ये कंपनी अकाउंट। क्या बोलते हो मेरे बच्चों, सही है गलत है? अगर आप CA फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हो तो, अगर आप CA फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हो तो ये सारे आपके टॉपिक है। सर ये टॉपिक में कौन सा टॉपिक का वेटेज कितना है? बच्चे की सबसे पहली गलती अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन का टॉपिक छोड़ ही देता है। मेरे बच्चे छोड़ना मत, अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन और अकाउंटिंग प्रोसेस, ये दोनों टॉपिक से आपको करीब करीब 20 से 22 नंबर के थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा, और आया तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। BRS टॉपिक के ऊपर आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ऐसा समझो कि 4 से 6 नंबर का, कोई कोई एग्जाम में 8 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। इसमें भी जनरली विथ एडजस्टेड कैश बुक के ऊपर जनरली इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है। इन्वेंट्री में आपको एडजस्टेड सेलिंग प्राइस वाली जो मेथड है, रिवर्स कैलकुलेशन, आपको ऐसा बोला है, मान लो 10 अप्रैल का आपको इन्वेंट्री का पोजीशन दिया है और आपको पीछे जाकर के 31 मार्च का पोजीशन आपको एग्जाम में पूछेंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चन है अच्छे से देख करके जाना। और अगर मैं बात करूं तो वेटेड एवरेज जो मेथड है उसके भी क्वेश्चन देख लेना इन्वेंट्री में। डेप्रिसिएशन टॉपिक में मेरे बच्चे चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और दूसरा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट उत्ता देख लेना। सर इन्वेंटरी कितने नंबर का आएगा मेरे बच्चे ध्यान देना, इन्वेंटरी के ऊपर क्वेश्चन आया तो आ सकता है 6 से 8 नंबर का, डेप्रिसिएशन अगेन 4 से 6 नंबर के लिए, स्पेशल ट्रांजेक्शन आपका 15 नंबर का है मेरे बच्चे, कितने नंबर का है, 15 से 20 नंबर, 15 to 20 मार्क्स आपका स्पेशल ट्रांजेक्शन है। उसमें भी मेरे बच्चे अच्छे से ध्यान देना, कंसाइनमेंट में ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन जिसमें एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन और विथ कंसाइनमेंट अकाउंट, ये चीजें आगे वो क्वेश्चन जरूर देखना, आया तो 8 से 10 नंबर के लिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कंसाइनमेंट का अगर आया तो। उसके बाद फाइनल अकाउंट में एक फुल फ्लेज क्वेश्चन देख लो प्लस कुछ एडजस्टमेंट देख लेना अच्छे से। फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन बड़ा आसान रहता है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहता है, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट के क्वेश्चन देख लेना बेटा, बरोबर।
एनपीओ के अंदर में मेरे बच्चे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विथ एडजस्टमेंट फॉर सब्सक्रिप्शन, विथ एडजस्टमेंट फॉर सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। पार्टनरशिप के अंदर में मेरे बच्चे अगर मैं डेथ ऑफ पार्टनर की बात करूं तो उसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एडमिशन प्लस रिटायरमेंट का एक कंबाइंड क्वेश्चन है, कंपोजिट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखना, और कंपनी अकाउंट के केस में प्रो रेटा अलॉटमेंट, ये जो भी चीजें मैंने बताई इंपॉर्टेंट है। सर कंपनी अकाउंट का वेटेज 15 से 20 नंबर, पार्टनरशिप का 10 से 15 नंबर का, ये एनपीओ का वेटेज 10 नंबर का, एनपीओ के ऊपर क्वेश्चन आता है, फाइनल अकाउंट भी अराउंड 10 नंबर का। सर ये तो 100 नंबर के ऊपर जा रहा है। हाँ मेरे बच्चे पेपर पूरा 120 नंबर का होता है जनरली, उसमें से आपको 100 नंबर के क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, 120 में 20 नंबर का ऑप्शन रहता है तो 100 नंबर का आपने सॉल्व करना है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 6, ये 6 में 1 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी सॉल्व करना है, और बचे कितने क्वेश्चन, देयरफॉर बचे 5, ये 5 में से आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व करने है, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिलने वाला है। यस और नो, कुछ बात समझ आई क्या, क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई होंगी मेरे बच्चे, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी, लेकिन ये सारी चीजें फॉलो करो, जस्ट स्टार्ट स्टडिंग, सिर्फ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, वेट मत करो किसी का कि कोई बोलेगा, और पढ़ाई करना स्टार्ट करो, हर एक घंटे बाद अपने आप से पूछो कि पिछले घंटे में क्या हुआ, बहाने मारना बंद कर दो, भूलो मत कि आप इस सिटी के अंदर में क्यों आए हो, अपने आप को मोटिवेटेड रखो, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन दो। कुछ बात समझ में आ रही क्या, ये सारे पॉइंट याद आ रहा है, थोड़ी देर पहले जो मैंने बात की थी ये सारे वही पॉइंट है मेरे बच्चे, थोड़ी देर पहले जो मैंने बात किया था ये सारे वो ही पॉइंट है, ये सारे वो ही पॉइंट है, क्लियर है, डन। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी और आप ये सारी चीज फॉलो करोगे, समरी नोट्स बनाओ जो मैंने आपको पढ़ाई करने के लिए तरीका बताया, पढ़ाई वैसी ही करो, पढ़ाई वैसी करो, ये 4-5 स्टेप फॉलो रखो, समरी नोट्स बनाने के बाद नहीं समझ में आए मुझे भेजो, मेरे इसी नंबर पे टेलीग्राम है 9822093220, 9822093220, इसी नंबर पे टेलीग्राम है, इसी नंबर पे सब कुछ है, एफबी अकाउंट है मेरा, माय नेम इज CACS हरीश ए मथारिया, इसी नंबर पे सारे सोशल मीडिया अकाउंट है। समरी नोट नहीं समझ में आ रही मुझे भेजो, मैं बता दूं करेक्शन करके क्या करना है, डन। लेकिन प्लीज ये फॉलो करो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सीए की एग्जाम पास करना, जब मेरे जैसा बेवकूफ बच्चा पास हो सकता है तो आपके जैसा होशियार बच्चा कभी भी पास हो सकता है मेरे बच्चे, डन। थैंक यू वेरी मच, बाय बच्चों, थैंक यू।